प्रदर्शन करा था और एक नई तरीके से जिस तरीके से उन्होंने कहा था कि जो है गड्ढे में जो है भराव हमने किया है नए तरीके से, मगर उसका कोई भराव हुआ नहीं। कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है। कांग्रेस के कुछ ऐसे कांग्रेसी नेता जो चंदा वसूली करके, जो ठेले वाले घूमती वालों से पैसा उगाकर अपनी राजनीति करते हैं, वो आज शहर के विकास में जनता को भ्रम फैला रहे हैं कि ये गड्ढे पानी में बह गए। आप भी देख सकते हैं, मैं अभी इतनी रात में इतनी बारिश के बाद यहाँ खड़ा हूँ कि ये गड्ढों की हालत जो आज सुबह आज तुम्हारा था वो पूर्ण रूप से सही है और बिल्कुल ठीक है। आप खुद देखिए, इंदौर में गड्ढे को लेकर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हो गई है। बता दें, पिछले दिनों इंदौर नगर निगम के महापौर पुष्पित भार्वे ने नई टेक्निक के तहत इंदौर के जो गड्ढे हुए थे उनको भरने को लेकर एक नई कवायद शुरू कर दी थी और खुद इंदौर के जो चौराहे पर हम अभी इस वक्त खड़े हुए हैं, इस चौराहे पर नई टेक्निक के तहत गड्ढे को भरने को लेकर योजना का शुभारंभ भी कर दिया था। खुद खड़े होकर यहाँ पर गड्ढे को भरवाया था और दो घंटे बाद वो गड्ढा पूरी तरीके से भर गया था। ये आप देख सकते हो, ये गड्ढे को महापौर ने भरवाया था और अब ये गड्ढा पूरी तरीके से भर गया है। लेकिन इसी गड्ढे को लेकर दो घंटे बाद राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस ने फोटो और वीडियो जारी करते हुए कहा कि जिस तरह से कल अचानक गड्ढे भरने के तुरंत दो घंटे बाद बारिश हो गई थी, उसके कारण जो गड्ढे को नई तकनीक के तहत भरा गया था वो वापस से गड्ढा हो गया है और उसको लेकर कुछ वीडियो और फोटो यहाँ के जारी कर दिए। बता दें, यहाँ पर कुछ और गड्ढे भी मौजूद है और इन्हीं गड्ढों को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी के कार्यकर्ता और महापौर को जमकर घूमने का प्रयास किया गया था और जारी कर दिए गए थे। उसको लेकर एक बार फिर बीजेपी कार्यकर्ता एक जगह पर पहुंचे और पूरी हकीकत बताते हुए उस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। फिलहाल जिस तरह से इंदौर महापौर ने नई तकनीक के तहत गड्ढे को भरने की योजना बनाई थी, उसी के तहत योजना पर काम किया जा रहा था, लेकिन गड्ढे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हो गए। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद है, थोड़े गड्ढे को लेकर क्या कहना चाहोगे? जो शहर में गड्ढे हो, भैया बरसात है तो खड्डे तो होंगे, बड़े में बड़े बड़े खड्डे होते, आदमी अंदर खड़ा होता सड़क के अंदर, छोटे मोटे खड्डे से जनता को सहन करना पड़ेंगे। प्रशासन उसकी व्यवस्था कर रही है, प्रशासन तो काम कर रहा है, लेकिन इससे बीजेपी और कांग्रेस आरोप ये तो थोड़े बीजेपी कांग्रेस प्रशासन प्रशासन के गति से काम कर रहा है। कांग्रेस वाले कांग्रेस के हिसाब से काम करेंगे, बीजेपी वाले बीजेपी के हिसाब से काम करेंगे, आदमी आदमी के हिसाब से काम करेगा। नागरिक को ज्यादा तकलीफ होगी तो रोड पे आए, बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सही है, ये काम नागरिक करता है। आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? भाई हमें कोई परेशानी नहीं है, ये छोटे मोटे गड्ढे तो बरसात में होते ही है साहब, यही बात थोड़ी है। जो आम वाहन चालक है उनका कहना है कि छोटे मोटे गड्ढे तो बारिश में होते रहते हैं, लेकिन उन गड्ढों के कारण इंदौर में राजनीति गरमा गई है और कांग्रेस और बीजेपी फिर एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। इंदौर से संदीप मिश्रा।